तो गाइस स्टार्ट करते हैं मार्केट एनालाइज गोल्ड एनालाइज भी वीकली टाइम फ्रेम से पहले स्टार्ट करते हैं। पहले वीकली टाइम फ्रेम में जाने के बाद आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं कैसा है और कैसा मार्केट सेंटिमेंट क्या चल रहा है, एक बार आराम से देख सकते हो। तो पहले चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम बहुत जरूरी होता है। बड़ा टाइम फ्रेम में स्टार्ट करने का बहुत अलग ही एक इम्प्रूवमेंट आता है। तो डेली टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो कि मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है। कुछ दिनों से सेलिंग ही है और सेलिंग ही में अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तो मुझे मिला जो सेलिंग अपॉर्चुनिटी 1970 पे एक जोन पे था, उधर उस जोन पे मैंने एक अच्छा सा मैं सेलिंग किया। सेलिंग करने के बाद मैं अच्छा एक रिवॉर्ड ले सका। देन मैं जोन तो ड्रॉ करने पर हॉरिजॉन्टल लाइन ही ड्रॉ कर लेता हूँ। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के बाद आप देख सकते हो कि 1860 से डेली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट किया, सही से ब्रेकआउट नहीं, छोटा छोटा ब्रेकआउट कर नीचे आ गया। तो ये की लेवल है 1972 से ये, और इधर से 1960 से भी नीचे आ सकता है मार्केट, आराम से नीचे आ सकते हैं। आप लोग हर टाइम बड़ा टाइम फ्रेम पे एनालाइज कीजिए और छोटा टाइम फ्रेम में आ जाए। तो H4 में चलते हैं। H4 में आप देख सकते हो कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर तो अभी ये जो स्ट्रक्चर है ये तो हाईर लो बना के जा रहा है, पर वेज नहीं बनाया तो सस्टेन नहीं कर पाया। ये जो डबल बॉटम का या जो रहता है वो वाला अलग ही एक सस्टेन करता है मार्केट। मार्केट ऐसे करके ऐसे जाता है तो सही रहता है, हर टाइम सही रहता है। तो मेरा तो व्यू यही रहेगा कि कुछ टाइम गोल्ड को सेल के लिए ही देख सके, इधर से उधर तक भी आ सकता है। 1784 पे भी जा सकता है, एक जोन है, नीचे भी आ सकता है। एंड मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो अभी तो बाइंग है, पर ज्यादा बाइंग नहीं है, सेलिंग ही है। एंड आप देख सकते हो एक ट्रेंड लाइन में लगाऊंगा अभी। ये ट्रेंड लाइन अब लगाने के बाद ये जो मार्केट जो रेस्पेक्ट कर रहा है H4 के टाइम फ्रेम में, बहुत बहुत क्रूशियल रेस्पेक्ट है ये। एंड ये जो बॉक्स मैंने बना लिया, आप भी बॉक्स बना के आप लोग भी देख सकते हो। इधर एक मैं हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ कर रहा हूँ 1840 से। ये एक बहुत की लेवल रहता है, इसमें ये ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट डेफिनेटली नीचे जाने का एक व्यू रहता है। हाँ, तो इधर से ब्रेकआउट होने के बाद इधर से सपोर्ट भी ले सकता है मार्केट, एंड इधर से नीचे भी जा सकते हैं। ज्यादातर टाइम इधर से नीचे भी आ सकता है, क्योंकि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है तो बहुत डेंजरस ब्रेकआउट रहता है। एंड आप लोग इधर 1790 का एक जोन शायद। हाँ, तो आप लोग देख सकते हो कि इधर से सपोर्ट लेकर नीचे भी आ सकता है मार्केट। एंड आप इधर से जो मार्केट का जो स्ट्रक्चर लग रहा है तो सेलिंग ही लग रहा है। एंड आप लोग हर टाइम ध्यान देना बड़ा टाइम फ्रेम ही मार्केट को चलाता है। H1 पे भी आप देख सकते हो इधर का एक ट्रेंड लाइन में ड्रॉ किया, और ब्रेकआउट भी हो चुका है। पर ये जो सेशन टाइम के अलावा जो ब्रेकआउट रहता है वो ज्यादातर टाइम सस्टेन ही नहीं कर पाता, क्योंकि सेशन टाइम पे ही सब कुछ कार्रवाई होती है, सब कुछ होता है। पर नीचे आ सकता है, एक बार नीचे आने के बाद ही सस्टेन के ऊपर भी जा सकता है मार्केट। हम लोग ट्राई करेंगे कि मार्केट को हर टाइम को पकड़ने के अलावा सेशन टाइम पे पकड़े। तो छोटा सा एमबीएम भी आप देख सकते हो, M15 में ये जो एक इधर का जो एक रेंज कर रहा है मार्केट, ये एक में जोन जो है ना 1850 से 60 के अंदर जो जोन रहता है, इसमें ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट नीचे आ सकता है, डेफिनेटली नीचे आ सकता है। इधर से छोटा टाइम फ्रेम वाले इधर से भी आप ट्राई कर सकते हैं, इधर से मार्केट ऊपर भी जा सकता है। हाँ, तो और नीचे भी आ सकता है इसमें ब्रेकआउट होने के बाद, इसमें से भी नीचे भी आ सकता है, डायरेक्ट नीचे भी आ सकता है, आने के पूरा नीचे भी जा सकता है। तो एक्चुअली H1 जो रहता है, वीक वन जो रहता है, वीकली जो रहता है, तो टू कैंडल का जो रहता है रिट्रेसमेंट रहता है। तो रिट्रेसमेंट होने के बाद अभी सेलिंग ही आ सकता है। तो 18.8 का भी एक जोन रहता है, ये जोन भी आ सकता है, शायद नीचे आ सकता है।